वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि सलमान खान की ईद रिलीज फिल्म का बड़ा क्रेज रहता है। कोरोना की वजह से 2020 में सलमान की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, मगर नए साल की शुरुआत में भी सलमान ने फैंस को ईद पर राधे और मोस्ट वांटेड भाई फिल्म की रिलीज का तोहफा दे दिया है। फिल्म को लेकर अभी से लोगों की उत्साह बढ़ गई है। खबरों की माने तो सलमान खान की इस फिल्म की स्टोरी एक कोरियन फिल्म से प्रेरित बताई जा रही है। अब इसी बीच में इस फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खबर आ रही है कि सलमान खान की फिल्म राधे एक एक्शन ड्रामा है, जिसकी कहानी कोरियन फिल्म द आउटलॉज से प्रेरित है। फिल्म द आउटलॉज एक फुल पैक्ड एक्शन ड्रामा फिल्म है। इससे पहले भी 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म सलमान खान की फिल्म भारत की ही कहानी को कोरियन फिल्म ऑट टू यू माई फादर से इंस्पायर्ड बताया गया था। फिल्म उस साल की हिट फिल्मों में हुई थी। बता दें कि साउथ कोरियन फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे की कहानियों से प्रेरित हो रहे हैं। जहां साउथ कोरिया की फिल्मों में बॉलीवुड के इमोशनल लव ड्रामा का टच दिखता है, तो यहां हिंदी सिनेमा में साउथ कोरियन एक्शन ड्रामा का असर देखने को मिल रहा है। यही वजह भी है कि लोग हिंदी में रीमेक बना रहे हैं। Thank you so much. Keep watching for more entertainment news and update.